सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को ईरान से कच्चा तेल आयात करने को लेकर मिली छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% की तेजी आई है, जो 6 महीनों का उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की आशंका है। इस वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। साल सितंबर 2018 में जब कच्चे तेल का वायदा भाव $80 प्रति बैरल के स्तर पर था, उस वक्त मुंबई समेत देश के कई महानगरों में पेट्रोल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। वर्तमान में कच्चे तेल का वायदा भाव $74 के ऊपर चला गया है, तो ये बात साफ इशारा करती है कि तेल के दाम चुनाव के बाद काफी तेजी से बढ़ेंगे। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।